First MCQ is sunspots were first discovered by which among of the following sunspots किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे या ऑब्जर्व किए थे? तो साइंटिस्ट नेम है थॉमस हैरियट. सेकंड है लाइटनिंग रॉड एंड बाईफोकल स्पेक्टेटर्स वर इन्वेंटेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन. लाइटनिंग रॉड और बाईफोकल स्पेक्टेटर्स बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्वेंट किए थे. थर्ड एमसीक्यू है अर्थक्वेक ऑफ 1935 स्ट्रक विद सिटी ऑफ पाकिस्तान. 1935 के जलजले ने किस शहर को पाकिस्तान के किस शहर को नुकसान पहुंचाया था? तो वो है क्वेटा. फोर्थ एमसीक्यू है बटूरा ग्लेशियर इज लोकेटेड इन. बटूरा ग्लेशियर कहाँ पे मौजूद है? तो बटूरा ग्लेशियर पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान में भी ये गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है. फाइव एमसीक्यू है उच्च गैस फील्ड्स आर लोकेटेड इन. उच्च गैस फील्ड्स कहाँ पे मौजूद हैं? तो ये बलूचिस्तान में मौजूद है. सिक्स है OGDCL सेकेंड लार्जेस्ट गैस फील्ड इज लोकेटेड इन. ये OGDCL ये सेकेंड लार्जेस्ट गैस फील्ड है और ये कहाँ पे मौजूद है? ये कादिरपुर के अंदर मौजूद है. सेवन्थ एमसीक्यू है नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड मार्स. मार्स के गिर्द जो कुदरती सैटेलाइट्स हैं उनकी तादाद कितनी है? तो वो 2 है. नंबर 8 मैक्स प्लैंक डिस्कवर्ड. मैक्स प्लैंक ने क्या डिस्कवर किया था? तो मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी डिस्कवर की थी. 9th एमसीक्यू है मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल इज मेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट. रेनफॉल की मेजरमेंट एक इंस्ट्रूमेंट से की जाती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेन गॉज. पार्सेक 10th एमसीक्यू है पार्सेक इज यूनिट ऑफ. पार्सेक किसका यूनिट है? पार्सेक डिस्टेंस का यूनिट है. 11th एमसीक्यू है सोलर इक्लिप्स अकर्स. सूरज ग्रहण कब होता है? सूरज ग्रहण तब होता है जब चांद जमीन और सूरज के गिर्द सूरज के दरमियान आ जाता है. 12th एमसीक्यू है प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फाउंड बाय कैमरा. जो कैमरे से जो पिक्चर बनती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? 3 प्रॉपर्टीज हैं. एक रियल होती है, इन्वर्टेड होती है एंड डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड होती है. 13th है सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड. अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? जितने भी बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स हैं वो उनको जब हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. 14th एमसीक्यू इंस्ट्रूमेंट मोस्ट सूटेबल टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी. टेस्ट ट्यूब बेबी का इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए हम कौन सा अपरेटस यूज करेंगे? तो हम वर्नियर कैलिपर को यूज करें. अ मैकेनिकल स्टॉपवॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू मैक्सिमम ऑफ. एक स्टॉपवॉच मिनिमम कितना टाइम इंटरवल मेजर कर सकती है? तो वो 0.1 सेकंड मेजर कर सकती है. 16 एमसीक्यू इज सुपरनोवा. इज सुपरनोवा कब होता है? सुपरनोवा इज व्हेन अ स्टार सुपरनोवा तब होता है जब कोई सितारा जो होता है वो एक्सप्लोड करता है, फट जाता है. ठीक है, तो वो उसको हम सुपरनोवा कहते हैं. 17 एमसीक्यू है आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर डैमेज बाय गैस. आयरन और स्टील के स्ट्रक्चर जिस गैस की वजह से डैमेज होते हैं उस गैस का नाम बताएं, तो वो है सल्फर डाई ऑक्साइड. 18 एमसीक्यू है लिवर इन्फ्लेमेशन इज कॉज बाय विच डिजीज. लीवर यानी जिगर पे जो सोजिश आ जाती है वो किस बीमारी की वजह से होती है? तो वो हेपेटाइटिस की वजह से होती है. 19 एमसीक्यू है क्रूड ऑयल इज हीटेड इन फर्नेस. क्रूड ऑयल को हम फर्नेस पे भट्टी में कब कितना हीट कर सकते हैं, किस टेम्परेचर तक हीट कर सकते हैं? तो वो है 400 डिग्री सेंटीग्रेड. 20th एमसीक्यू है द स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द एरिया इन अ सेल. स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
सेल के अंदर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा हिस्सा है जहां पे लिपिड्स आर सिंथेसाइज, लिपिड्स बनते हैं। 21 है, पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन, पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 2015 में हुई थी। 22, रियो अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन, रियो अर्थ समिट कब हुआ था? जून 1992 के अंदर रियो अर्थ समिट हुआ था। 23 है, इंटरनेशनल डे फॉर द डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, जो डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट का इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? तो वो 17 जून को मनाया जाता है। 24 इज, विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज टेकन बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोसिस्टम, तो जो इकोसिस्टम के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो नाइट्रोजन की कौन सी फॉर्म लेते हैं? प्रोड्यूसर्स इकोसिस्टम के कौन से हैं? प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स, तो प्लांट्स नाइट्रोजन को किस शक्ल में जो है एक्सेप्ट करते हैं? तो वो अमोनिया की फॉर्म में उसको एक्सेप्ट करते हैं। 25 है, पैंक्रियास प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड रिलीज देम इनटू, पैंक्रियास जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है तो उसको किसके अंदर रिलीज करता है? तो वो ड्यूडेनम के अंदर उसको ट्रांसफर करता है। ड्यूओडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लार्जेस्ट पार्ट जो है वो ड्यूओडेनम है। 26 है, इन स्टमक, स्टमक में क्या होता है? पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, स्टमक के अंदर एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजेन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये कन्वर्ट कर दिया किया जाता है पेप्सिन में बाय पोरिंग ऑफ HCl, HCl इसके साथ मिलाया जाता है पेप्सिनोजेन के साथ और ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। द लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स की लाइफ है 120 डेज। ट्यूब कनेक्टिंग किडनी एंड यूरिनरी ब्लेडर, तो जो ट्यूब जो है किडनी और यूरिनरी ब्लेडर को कनेक्ट कर रही है उसको हम यूरेटर बोलते हैं। 29, विलाय इज फाउंड इन, विलाय कहाँ मौजूद होते हैं? तो विलाय इज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। 30 एमसीक्यू है, स्टोमेटा क्लोजेस व्हेन गार्ड सेल्स, स्टोमेटा कब क्लोज होते हैं? जब गार्ड सेल लूज वाटर, पानी को रिलीज करते हैं, पानी को, पानी जब उनमें से निकलता है तब स्टोमेटा क्लोज होते हैं। 31 इज, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, इनमें से ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है प्लेटलेट्स। 32 इज, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, एंजाइम्स किससे मिलके बनते हैं? एंजाइम्स प्रोटीन से मिलके बनते हैं। 33, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीन, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन कब डिस्कवर की थी? तो वो 1796 में की थी। 34, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स की फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट डिवेलप्ड फ्रॉम, तो फ्रूट जो है बनने से पहले एक और स्टेज आती है, उस स्टेज का नाम क्या है? ओवरी। पहले फर्टिलाइजेशन होती है, फिर ओवरी बनता है, फिर उसके बाद ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। 35 है, पार्थिनोकार्पी रिजल्ट्स इन, पार्थिनोकार्पी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऐसे फ्रूट जो के विदाउट सीड्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट होती है, सीडलेस फूड्स की डेवलपमेंट होती है पार्थिनोकार्पी के थ्रू। 36, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिकेट्स कॉज करती है। 37, इथोपिया फोर सर्व फेमाइन, इथोपिया फेस सर्व एंड फेमाइन, इथोपिया को जो है कहत का सामना करना पड़ा था 1983 से 1985 के दौरान। 38 है, मेस्टिकेशन इज आल्सो नोन एज, मेस्टिकेशन का मतलब है च्यूइंग ऑफ फूड, कि आप जब अपने टीथ से जब फूड को जो है च्यू कर रहे होते हो तो इस टर्म को हम मेस्टिकेशन कहते हैं। 39 है, इन कंपोजिशन ऑफ वाटर द ह्यूमन ब्रेन इज, ह्यूमन ब्रेन के अंदर पानी की जो कंपोजिशन है वो कितनी है? 75% है। 40 है, डेंगी फीवर इज कॉज बाय द मॉस्किटो, डेंगी फीवर किस मॉस्किटो की वजह से कॉज किया जाता है या कौन वजह बनता है? तो वो है एडीज एगिप्टी। 41, हु गेव द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम,
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का आइडिया किसने दिया था? जॉर्ज मैक गवर्न। 42, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है 300 मीटर पर सेकेंड। 43, हु ट्रांसमिटेड द फर्स्ट रेडियो सिग्नल थ्रू द एयर, फर्स्ट रेडियो सिग्नल थ्रू द एयर किसने ट्रांसफर किया था? तो वो मार्कोनी ने किया था। 44, हाउ मच स्पेस अ स्टैंडर्ड सीडी कंटेन्स, सीडी के अंदर कितनी स्पेस होती है? तो वो 700 MB होती है। नेक्स्ट है टूल्स टू चेंज प्रॉम चिप आर कॉल्ड, जो प्रॉम चिप को चेंज करने के लिए टूल्स यूज किए जाते हैं हम उन इनमें से वो प्रॉम बर्नर है। ठीक है, अच्छा। 48 है द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर, टर्म किस बिट किसके लिए है? बाइनरी डिजिट के लिए है। ठीक है, 49 है अटक फोर्ट बिल्ड बाय विच एम्परर, अटक फोर्ट किसने बनवाया था? तो अटक फोर्ट जो है वो अकबर ने बनवाया था। 50, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, ये पुराना पेपर है जिसमें लिखा हुआ है कि अमजद हुसैन सियाल जो हैं वो इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन अब जो हैं वो सऊदी अरब के ही हैं और उनका नाम है अल उथमीन। 51, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जायद हुसैन थे। 52, लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान, तो जो चेयरमैन सेनेट हैं जो लॉन्गेस्ट सर्विंग है वो कौन है? वसीम सज्जाद। 53, कुर्त वाल्दियम रैंक एज सेकेंडरी जनरल ऑफ यूएनओ, तो ये कुर्त वाल्दियम जो है इनका कौन सा नंबर था सेकेंडरी जनरल में? तो ये चौथे नंबर पे। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस लेटेस्ट एस्टिमेट्स वर्ल्ड टोटल, तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन के मुताबिक जो है यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की पॉपुलेशन दुनिया के टोटल कितने परसेंट पे बनती है? तो वो है 2.65%। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंप्राइजेज ऑफ पैनल ऑफ हाउ मेनी जजेस, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि यूएनओ का ही इदारा है उसमें कितने लोग जजेस शामिल होते हैं? तो 15 जजेस शामिल होते हैं। ताजमहल इज कंस्ट्रक्टेड बाय, ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। और जितने और लाहौर के अंदर जो बादशाही मॉस्क है और शाही किला है ये उसके बेटे औरंगजेब ने बनवाया था। बलोचिस्तान वाज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस, बलोचिस्तान को प्रोविंस का जो स्टेटस कब दिया गया? वो 1970 में दिया गया। लेंथ ऑफ कराकरम हाईवे, कराकरम हाईवे की लेंथ कितनी है? 1300 किलोमीटर है। 59 है कीर्थर माउंटेन रेंज इज कॉल्ड, कीर्थर माउंटेन जो है वो सिंध और बलोचिस्तान की रेंज, सिंध और बलोचिस्तान में दोनों में मौजूद होती हैं। हु इज द पेन अल्टीमेट वाइस राय ऑफ इंडिया, पेन अल्टीमेट का मतलब होता है सेकेंड लास्ट वाइस राय ऑफ इंडिया कौन था? जो लास्ट वाइस राय था तो उसका नाम तो था जो है माउंट बेटन, जबकि सेकेंड लास्ट जो था वो था लॉर्ड वेवेल। 61, जिना पाकिस्तान एंड इस्लामिक आइडेंटिटी द सर्च फॉर सलादीन इज रिटन बाय, ये सारी बुक्स किसने लिखी हैं? अकबर अहमद ने लिखी हैं। 62, विच पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर सिक्योर्ड गवादर, तो किस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने गवादर को जो खरीदा था? तो वो थे फिरोज खान नून। 63, फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान नवाब आमिर मोहम्मद बिलोंग टू, तो ये जो वेस्ट पाकिस्तान के फॉर्मर गवर्नर थे ये किससे जो है बिलोंग करते थे, किस जगह से बिलोंग करते थे? ये कालाबाग से बिलोंग करते थे। एटमोसफेयर इज डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी लेयर्स, एटमोसफेयर को 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, 4, और सबसे जो है नीचे वाली जो है वो हमारी जिसमें हम रहते हैं वो है ट्रोपोस्फेयर। 65 है परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर कंटेन्ड इन ओशियंस, ओशियंस का जो पानी है वो कितना परसेंट है?
वो 97% था। 66 करंट प्रेसिडेंट ऑफ आजाद एंड जम्मू कश्मीर के तो वो है सरदार मसूद खान। 67 करतारपुर कॉरिडोर लिंक्स करतारपुर विद डेरा बाबा नानक। करतारपुर कॉरिडोर किन दो सिटीज को कनेक्ट कर रहा है? करतारपुर को कनेक्ट कर रहा है और डेरा बाबा नानक को कर रहा है। 68 द कटास राज टेम्पल इज लोकेटेड इन। कटास राज टेम्पल कहाँ मौजूद है? चकवाल में मौजूद है। हाउ मेनी कंट्रीज इन एशिया? एशिया में कितनी कंट्रीज हैं? 48 हैं। 70 पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2018 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक तो वो थी 5.8%। 7 मुजाहिद अनवर खान है, ठीक है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज जो है वो कब ऑब्जर्व की जाती है? वो 21 फरवरी को ऑब्जर्व की जाती है। 74 लिटरेसी रेशियो इन क्रिश्चियन वर्ल्ड इज अबाउट 40%। तो मुस्लिम वर्ल्ड की कितनी है? तो मुस्लिम वर्ल्ड की जो लिटरेसी रेशियो है वो 40% से बिलो है। ओके। 76 सिंध सागर दुआब लाइज बिटवीन विच रिवर। सिंध सागर दुआब जो है किन दो दरियाओं को कनेक्ट करता है? तो ये जेहलम और इंडस को कनेक्ट करता है। 77 अस्ताना इज द कैपिटल ऑफ। अस्ताना किसका कैपिटल है? तो वो काजकस्तान का कैपिटल है। 78 है अलामा अता डिक्लेरेशन ऑफ 1978 पाकिस्तान लॉन्च द नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग एंड प्राइमरी हेल्थ केयर इन। कब लॉन्च किया था उन्होंने? तो वो 1994 में लॉन्च किया था। 79 एमनेस्टी इंटरनेशनल फाउंडेड। एमनेस्टी इंटरनेशनल कब फाउंड की गई थी? तो 1961 में बनी थी। 80 शंघाई कॉरपोरेशन कब एस्टेब्लिश हुई थी? शंघाई कॉरपोरेशन जो है 1996 के अंदर बनी थी। 81 अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट IMF रिपोर्ट पाकिस्तान रैंक 4th अमंग कंट्रीज फेसिंग अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। पाकिस्तान का चौथा नंबर है दुनिया के उन मुल्कों में जिन्हें पानी की किल्लत का सामना। 82 पाकिस्तान वॉन ICC चैंपियन ट्रॉफी इन 2017 बीटिंग इंडिया ऑन। क्या डेट थी तब? 18 जून 2017। 83 है माइकल जैक्सन डाइड ऑन। माइकल जैक्सन कब जो है उसकी डेथ हुई? जून 2009 में। पोएट ऑफ ब्यूटी इन इंग्लिश लिटरेचर। पोएट ऑफ ब्यूटी इन इंग्लिश लिटरेचर इज जॉन कीट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट ऑफ 1, 2, 3 इन तीन सेट्स की जो है पावर सेट कितना होगा? कितने जो है पावर सेट बनेंगे? तो वो 18। नेक्स्ट है अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड कॉन्ग्रेंट। एक ट्राइंगल जिसकी दो साइड जो के कॉन्ग्रेंट हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो आइसोसेलेस कहलाएगा। 87 द मेडिसन ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इंटू अ रेशियो ऑफ। द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इंटू अ रेशियो ऑफ 2:1। 88 अ सॉल्यूशन दैट डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस। एक सॉल्यूशन जो कि ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा उसको हम एक्सट्रेनियस कहेंगे। 89 है एथमिक मीन इज मेयर दैट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी ऑफ डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बाय देयर ए नंबर। 90 है अ डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। एक डाटा जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में दिया हुआ होता है हम उसको ग्रुप डाटा बोलते हैं। 91 हाउ मेनी सबसेट डज द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के कितने पावर सबसेट होंगे? तो वो 1 एक ही होगा एम्प्टी सेट का वो खुद। 92 अ हॉर्स रन्स अराउंड अ स्क्वायर गार्डन ट्वाइस एंड कवर्स अ लेंथ ऑफ 8 किलोमीटर्स। दिस मीन्स
दैट द साइड ऑफ द गार्डन इज, तो साइड ऑफ गार्डन कितनी होगी, वन। ठीक है, उसने दो जो है राउंड लिए हैं, तो उसका जो है डिस्टेंस तो लेके उसने 8 किलोमीटर जो है कवर किया। तो इट्स मीन दो राउंड करने की वजह से, अगर हम इसको वो 8 को 2 से डिवाइड करें तो 4, और 4 किलोमीटर का करके अगर उसके आप स्क्वायर में ही उसने वो किया तो 1 किलोमीटर उसकी जो है साइड होगी उसकी। 93 है, अ मिनरल एसोसिएटेड विद विटामिन ई, एक मिनरल जो कि विटामिन ई से एसोसिएट है उसका क्या नाम है, सेलेनियम। 94, यीस्ट इज यूज इन मेकिंग ब्रेड बिकॉज, ठीक है, यीस्ट जो है वो ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है, और क्या और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा जी, 95 है, एसिडिक बैक्टीरिया सर्वाइव इन विच मीडियम, एसिडिक बैक्टीरिया किस मीडियम में सर्वाइव करते हैं, तो वो एसिडिक मीडियम में ही सर्वाइव करते हैं। 96 है, डेफिशिएंसी ऑफ विच मैक्रो मटेरियल इज रेयर, कौन से मैक्रो मिनरल की डेफिशिएंसी जो है वो रेयर होती है, तो वो फास्फोरस की होती है। 97 है, ऑक्सीहेमोग्लोबिन गिव्स ब्राइट रेड कलर टू मीट, ठीक है, ऑक्सीहेमोग्लोबिन जो का जो रंग है वो ब्राइट रेड होता है किस, ठीक है। उसके बाद है, द कंसेप्ट ऑफ अल असबिया वाज गिवन बाय, अल असबिया का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था, वो इब्ने खल्दून ने दिया था। 99, अल राजी वाज बॉर्न इन, अल राजी कहाँ जो है पैदा हुए थे, अल राजी जो थे वो ईरान में पैदा हुए थे। 100 है, अल कानून फित तिब इज रिटन बाय, अल कानून फित तिब किसने लिखा था, तो ये इब्ने सीना ने लिखा था जी। ये लिटरेसी रेट ऑफ मुस्लिम इन द वर्ल्ड इज 40% था। ये था आज का पास्ट पेपर, और हम नेक्स्ट पास्ट पेपर्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे, और ये इन पास्ट पेपर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आप लोग अगर आप पीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका इन पास्ट पेपर्स से गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।